मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। देश को अगर स्वस्थ बनाना है तो सभी उम्र के लोगों को स्पोर्ट्स जरूर करना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप जरूर आइए जमशेदपुर, और जमशेदपुर का जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका इंतजार कर रहा है। द ग्रेट झारखंड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप होने वाला है, जिसमें सभी उम्र के एक साथ पार्टिसिपेट होंगे। इसी विषय में हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता गुरुचरण सिंह जी हैं, और वहाँ बताएंगे कि इस बार की जो आयोजन हो रहा है उसमें किन किन उम्र के बच्चे और उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार एडी लाइव के सभी दर्शकों को, मैं गुरुचरण सिंह, झारखंड मास्टर एथलेटिक्स का मेडल विनर, और झारखंड को मैंने नेशनल गेम्स में पूना में लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया है। 8 दिसंबर को हमारे जमशेदपुर जीआरडी कॉम्प्लेक्स में मास्टर एथलेटिक्स का बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जो कि झारखंड लेवल का एक आयोजन है। इसमें सुबह 5:30 बजे से क्रॉस कंट्री रेस की शुरुआत होगी, जिसमें 8 साल से और उससे बड़े एज के लोग शरीक होंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है वो केवल जमशेदपुर के खिलाड़ी नहीं, आसपास छोटे छोटे एरिया से भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जिन्होंने किसी तरह के एथलेटिक्स में पार्ट नहीं लिया है, उनकी भी रुचि देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। ये 7 तारीख को शाम को हम बाहर के आउटसाइडर्स जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो आ जाएंगे, और अगले दिन सुबह 5:30 बजे से दिन भर का आयोजन होगा, और इनके रहने का, बाहर के आउटसाइडर्स पार्टिसिपेंट के रहने का, खाने का सारा एकोमोडेशन हमें यहाँ से प्रोवाइड हुआ है। हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं जिन्होंने हमें इसमें मदद की है, उनका भी धन्यवाद। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उसका प्लेटफॉर्म है? हाँ, ये हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का माध्यम से पार्टिसिपेट होंगे, और इसमें 700 की एंट्रीज लगभग आ चुकी है। हमने एंट्रीज क्लोज कर दी थी, पर इसमें पार्टिसिपेंट का और इंटरेस्ट देखकर जो हमें कॉल्स आते हैं इसको हमने फिर से ओपन किया, और लगभग 1000 इसमें पार्टिसिपेंट है और 150 इसमें टेक्निकल मेंबर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा आयोजन है। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि फैमिलीज और उनके फ्रेंड्स जो भी है इस आयोजन को 8 तारीख को आकर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि क्या क्या स्पोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट होगा? मैं श्याम शर्मा, इस सिंभूम मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। इस आयोजन में जो इस लगातार 4th वर्ष हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये हम सबों के लिए काफ़ी सम्मान की बात है। इस आयोजन में पुरुष वर्ग के लिए जो इवेंट्स आयोजित किए गए हैं उनकी संख्या कुल 9 है। ट्रैक इवेंट में 3 इवेंट है, 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर। इसके अलावा रेस वॉक, जिसमें 3 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है, जंप में लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, थ्रोज में शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो है। महिला वर्ग में ट्रैक इवेंट में कुल 3 इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर पैदल चाल। जंप में केवल लॉन्ग जंप है, थ्रोज में शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो। तो कुल 7 स्पर्धाएं आयोजित होंगी महिला वर्ग में। इसके अलावा इस आयोजन की एक खासियत है जो पहली बार हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो है द ग्रेट झारखंड रन। कौन सी उम्र के लोग वहाँ पार्टिसिपेट करें, उसको क्या क्या प्राइज मिले? जी नमस्कार, सबसे पहले मैं एडी लाइफ का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समझा कि इस हमारी मुहिम को भी प्रमोट किया जाए। हम लोगों ने इस बार टीन एज से शुरू किया है, और उसके लिए भी बड़ी स्पर्धाएं रखी गई हैं ताकि अभिभावक आए, अपने बच्चों के साथ आए, उनको पार्टिसिपेट कराएं, और एक फैमिली, पूरी फैमिली की जो फिटनेस है उसको ध्यान रखें और एक फिट और स्वस्थ जिंदगी बिताएं। कितना उम्र के जो 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 व्यक्ति है जी, वो कौन सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? रनिंग, लॉन्ग जंप, क्या क्या है जो? जी हाँ, ये सारी जो ओलंपिक टाइप की इवेंट्स है, रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, इस सारे को कवर किया गया। अगले बार जो लॉन्ग जंप, मैराथन, 400 मीटर, 200 मीटर में सबसे अधिक एज के क्या मेडल उठाए थे, कहाँ के थे? जी ये हम लोग 88 साल के बुजुर्ग में पार्टिसिपेट किया था, और इस साल उम्मीद है कि उससे ज्यादा उम्र के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
और ये एक जनरेशन सुधारने का मुहिम है, हम लोग आपकी सपोर्ट चाहते हैं, धन्यवाद। क्राउड होगा, क्या क्या इंतजाम किया गया प्रशासन के तरफ से, टाटा स्टील के तरफ से, सीनियर जो स्पोर्ट्समैन है और लोकल वॉलंटियर के तरफ से क्या क्या इंतजाम किया गया? जैसे तोमर इंटरनेशनल एथलीट, इस आयोजन के विषय में आपको यही कहूँगा कि हम लोग इसका 2 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने हर छोटे से छोटा पॉइंट को कवर किया गया है, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एक विशेष गाइडलाइन बताई जाती है कि आप सुरक्षित तरीके से पार्टिसिपेट करें, और हमारे टेक्निकल टीम बाकायदा उनका ध्यान रखेगी और वो लोग प्रॉपरली गाइड करेंगे। अगर कोई एकदम टेक्निकल तरीके से ही ये स्पोर्ट्स होगा, हमारे लगभग 150 ऑफिशियल्स और हमारे डेलीगेट्स उस इवेंट को करवाने के लिए एकदम तैयार हैं। उनको कई बार मीटिंग हो चुका है और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हर खिलाड़ी का विशेष ध्यान रखा जाए, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स सबकी व्यवस्था रहेगी सेफ्टी के लिए, और सभी खिलाड़ियों का एकोमोडेशन आने के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हमारी हेल्पलाइन भी उसके लिए हमने रिलीज की है। ये नंबर जिससे पार्टिसिपेट इंक्वायरी कर सकते हैं, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, तो भी नंबर हमारे चैनल को बताया जाए। हमने एक हमारे 2 कोऑर्डिनेटर्स के नंबर रिलीज किए हैं, एक डिपार्सी पांडे जी है, उनका नंबर है 7200993834, और एक हदीपुर जी हैं, उनका नंबर है 8709102647। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी टीम 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑफिस एरिया में रहेंगी, और वो आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी है, कुछ भी है, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खिलाड़ी किसी विशेष कारण से, वैसे तो हमारी एंट्री 1 तारीख को लास्ट डेट थी, कोई खिलाड़ी किसी विशेष कारण से अपना फॉर्म नहीं भर पाया तो 7 तारीख को 2 बजे के बाद आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ये स्पेशल केस में सुविधा दी गई है। रोड रेस में हम लोगों ने कैश प्राइज अनाउंस किया है, 10 कैटेगरी में 12 से 85 ईयर्स के लोगों को 10 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रत्येक कैटेगरी में 2500, 1500 और 1000 फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जो रोड रेस को फिनिश करेंगे, फिनिशर्स को एक मेडल दिया जाएगा, और जो सभी खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी यहां पे आएंगे, सभी खिलाड़ियों को एक फ्री टी शर्ट भी दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं कर रहे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कर तो इसलिए रहे हैं कि मेरे ब्लड में स्पोर्ट्स है, और एक लंबा समय हमने दिया है, लगभग 52 साल। क्या खेलते थे आप? पहले तो मैं एथलीट था, लेकिन एथलेटिक में मुझे उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था, लेकिन एज ए कोच जब मैं आया पटियाला से डिप्लोमा लेके, तो काफी अच्छे रहे, ईश्वर की कृपा है, और बड़े बहुत सारे लड़के इंडिया खेले, बाहर में पदक जीते देश के बाहर। बीट के बारे में बस हम एक लाइन बोलना चाहेंगे कि मैं तो घूमता रहता हूँ, यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ये आयोजन हो रहा है ये हर जगह खाना पूर्ति होती है, नाम लिख के भेज दिया जाता है नेशनल के लिए, जिस ढंग से कर रहे हैं मेरी उम्मीद है कि नेशनल भी मात होगा इस बार, जैसी टीम बनाई गई है इसका सारा क्रेडिट बहुत हेल्दी टीम तोमर ने और विजय बाबू ने बनाया है, और सब में जोश है, कोई सब वॉलेंट्री दे रहे हैं, ये नहीं कि हमको कहा जा रहा है और हमें कहा था, हम खुद बढ़ के आ रहे हैं कि हमें ये मैसेज बच्चों को जाएगा, इसीलिए 2 इवेंट हम लोगों ने। बच्चों क्या सभी उम्र के लिए जाए? बच्चों को तो और जाएगा क्योंकि उनसे अभी आशा है, और वही सभी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन लंबा हो, वाकई तो ईश्वर जानता है कि क्या होगा, तो खेल के मैदान से जुड़िए, बच्चों को भेजिए, यहाँ कोचिंग की सुविधा है, हर तरह की मदद निशुल्क करने को हम लोग तैयार हैं। मैं हरविंदर सिंह झारखंड मास्टर एथलीट के बारे में बोल रहा हूँ। इसमें एक इवेंट है 800 का, जो हमारे आरिफ सर ने उसका जिक्र किया था, वो मैं बताता हूँ, ये ओपन है और ये देखने लायक इवेंट है, इसीलिए मैं हर पर्सन को बुलाना चाहता हूँ ग्राउंड में,
वो आके ये इवेंट को जरूर इंजॉय करें, क्योंकि इसमें ये ओपन फैसिलिटी दिया गया है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप या तो वेटरन एथलीट हैं या यंग एथलीट हैं, एक बार आके अपना जौहर वहां दिखा सकते हैं। जो ये देखने लायक इवेंट है बच्चा लोग के, और फादर यदि आप गार्जियन हैं, आप यदि रन कर रहे हैं, बच्चा आपको देखेगा तो वो आपको देख के ये समझेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया होगा। आप जब उसे हम लोग बताते हैं कि हम 800 इतने में दौड़ते थे, 400 मीटर दौड़ते थे, तो वो हमें देख के एक बार सोचता था कि अरे ये पापा दौड़ते थे, लेकिन जब वो 800 और ये 400 देखने आएगा तब उससे पता लगेगा कि सच में इन्होंने प्रैक्टिस किया। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आए और भारी संख्या में आए, कम से कम पार्टिसिपेट करने वालों को कम से कम हौसला जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।